अरे बाप रे, क्या है ये? ज़ोंबी वोंबी है क्या भाई? वहां नहीं जाने का। शिट, अरे क्या? ये थोड़ा सा डरावना था भाई। नो प्लीज। तो स्वागत है आपका एक और डरावने वीडियो में। ये है एक नई सीरीज जहां पर हम देखने वाले हैं डरावनी भूतिया हॉरर शॉर्ट फिल्म्स। इस वीडियो को अगर तुम खाना खाते टाइम देख रहे हो फिर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, और अगर खाना नहीं खा रहे हो तो कुछ खाने का सामान लेकर बैठ जाओ क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये आज का डरावना और पाड़ू वीडियो। तो सबसे पहली हमारी शॉर्ट फिल्म है द ट्रैवलर। ओ भैया, यहाँ पर रात के सुनसान अंधेरे में कार जा रही है, रास्ता बड़ा खराब है। द ट्रैवलर, ओके। बाप रे, इतनी रात को ड्राइव करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और ये अकेली लड़की है ड्राइव कर रही है। मुंह में इसने क्या पियर्सिंग करवा रखी है? ओके, ऐसा लग रहा था वैम्पायर का दांत है भाई। बहुत टेंशन में लग रही है, इसको नींद भी आ रही है, और इसने गूगल मैप लगा रखा है जो हमेशा गलत रास्ते ही दिखाता है। भाई मैं तो गूगल मैप के चक्कर में सीरियसली 2-3 बार बहुत बुरा फंस चुका हूँ। कोई रास्ते पर है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं। ओ माय गॉड, और ये लड़की लाइट का अपर डिपर वाला गेम खेल रही है। अरे मत कर पगली, प्यार हो जाएगा उस चुड़ैल को तेरे से, भाग ले, रिवर्स गियर डाल ले गाड़ी में। क्या कर रही है? हॉर्न बजा रही है। भूत के लिए हॉर्न कौन बजाता है देवी? अरे वो उठ के खड़ी हो गई भाई, उठ के खड़ी हो गई, पलट गई। अरे अरे क्या कर रही है? अरे कोई समझाओ इसको। वो पास आ गई है, फिर वो दूर भी जा रही है। अरे मत कर, प्लीज 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 प्लीज, नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं जाने का, बाहर नहीं जाने का, बाहर नहीं जाने का, बाहर नहीं जाने का, वहां नहीं जाने का। शिट, अरे क्या, अरे क्या है यार, क्या है यार, हट, सारा मजा ही खराब कर दिया भाई। अच्छा वो चुड़ैल गायब हो गई। चलो ये समझदार नहीं थी तो क्या हुआ, कम से कम वो सामने वाली भूतनी तो समझदार थी। अंदर आजा देवी, ये सब मत कर अभी, ये सब बाद में कर लियो भाई। क्या है यार, ये लोग दिमाग नहीं है क्या इसमें? अब चला ले कार। क्या है यार, सच में यार, सही में चला। अब गूगल मैप बाद में लगा लेना, गाने बाद में बजा लेना। आई टोल्ड यू, मैंने कहा था कि अगर फालतू के काम करोगे तो फालतू का ही अंजाम होगा। देख लो वो कार में अगर बैठ गई है अब क्या होगा। अच्छा कार चल पड़ी, और उस भूतनी ने इसको कुछ किया भी नहीं, तो क्या वो भूतनी लिफ्ट मांग रही थी क्या, या फिर आगे जाकर वो भूतनी इस औरत का भी कर देगी? आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, शॉर्ट फिल्म है, सब सब कुछ नकली चल रहा है, लेकिन यार फिर भी थोड़ा तो हमारी भावनाओं की कदर किया करो यार। जब हम बोल रहे हैं कि मत उतरो कार से, लेकिन नहीं उतरना है। देखो वैसे तो क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हद से ज्यादा क्यूरियोसिटी भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इस औरत को ही ले लो, इसके साथ जो हुआ वो तो होना ही था। किसने कहा था इसको कार से निकल कर बाहर जाकर देखने के लिए? लिटरली इसके साथ जो हुआ ना वो देखकर मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूँ। लेकिन एक घटना हुई थी 2017 में जिसने मुझे शॉक्ड कर दिया था। 2017 में ज्योतिषी अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण की भविष्यवाणी कर दी थी, जो कि 2019 में सत्य साबित हो गई। और ऐसे एक नहीं कई एग्जांपल है, तभी तो लोग हजारों सालों से एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं। अब जैसे अयोध्या के राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था 2019 में, लेकिन इसका प्रेडिक्शन 2017 में ही एक एस्ट्रोलॉजर ने कर दिया था। तो भैया ये सब देखने के बाद मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी आई कि मैं भी क्यों ना किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी लाइफ के बारे में पूछूं। और इसके लिए मैंने डाउनलोड किया एस्ट्रो टॉक ऐप, और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो बेसिकली मेरे साथ जो होता है वो मैं ज्यादा शेयर नहीं करता, लेकिन घटना ही कुछ ऐसी है, शेयर करना तो बनती है। तो भैया जैसे ही मैंने डाउनलोड किया एस्ट्रो टॉक ऐप, और अपने बारे में कुछ जानने के लिए मैंने बात की एस्ट्रोलॉजर संगीता जी से, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग पूछ ली। जैसे ही मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी भैया, उन्होंने मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताई कि भाई जो बहुत कम लोगों को मालूम है, जैसे कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरे फैमिली से रिलेटेड भी एक दो बातें उन्होंने बताई जो केवल फैमिली वालों को और मेरे कुछ खास करीबी दोस्तों को ही मालूम है। उसके बाद तो भैया फिर मैंने संगीता जी से पूछना चालू किया YouTube पर मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कब होंगे, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं पूछना चाहता था वो मैंने पूछ डाली। तो उनसे कन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई जो कि भाई बिल्कुल 100% सही थी। तो अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो कि भैया कोई बंदा या कोई बंदी इंटरेस्टेड है मेरे में या नहीं है, रिलेशनशिप के
बारे में आप कुछ जानना चाहते हो कि क्या लॉन्ग टर्म स्कोप है, रिलेशनशिप सही चलेगा या नहीं, शादी कब होगी, किसके साथ होगी, क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा, ये सब अगर आप जानना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो ट्राई एस्ट्रोटॉक ऐप। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप जाकर एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहां से आकर डाउनलोड करोगे तो आपको पहली चैट एकदम फ्री में मिलेगी। और अब देखते हैं हम अपनी अगली भूतिया शॉर्ट फिल्म, जो पिछली वाली से तो काफी ज्यादा डरावनी होने वाली है। शॉपिंग मॉल के अंदर लड़की शॉपिंग कर रही है, जो कि लड़कियों का फेवरेट काम होता है। पहला फेवरेट काम होता है शॉपिंग करना, दूसरा फेवरेट काम होता है जब कार के सामने कोई चुड़ैल आकर रास्ता रोके तो अपर डिपर लाइट मारना और कार से बाहर चले जाना, जो हमने अभी देखा था। तो भैया ये लड़की जा रही है कपड़े चेंज करने के लिए एक अजीब से डरावने मिस्टीरियस और क्रीपी से चेंजिंग रूम में। डेफिनेटली ये जाएगी, इसे कौन रोक सकता है। मैं बोलूँगा मज्जा बड़ी नहीं सुनेगी। कॉशन, दिस एरिया इज क्लोज्ड ऑफ। पढ़ने लिखने का क्या ही फ़ायदा है जब तुम्हें नोटिसेस पढ़ने ही नहीं है। भाई क्या खतरनाक चेंजिंग रूम हो रहा है ये। तो भैया लड़की ने जैकेट उतार दी और क्या हमारे सामने ही ये कपड़े चेंज करने वाली है। आंखें बंद कर लो गाइस, ऐसी वैसी शॉर्ट फिल्म नहीं है ये, हॉरर शॉर्ट फिल्म है। ओ छत पे से कोई झांक रहा था भाई, ये क्या है। छत पे से कुछ निकल रहा था, थोड़ा सा भी शक हो तुरंत भाग लेना चाहिए, इतना मौका नहीं देना चाहिए। बात तो सही है। अच्छा एक मिनट, देखो वो जो एक मिनट रुको, वो तुम्हें दिख रहा है कांच के अंदर कांच, तो उससे एक इनफाइनाइट परछाई बन रही है, वो परछाई लेकिन आगे जाकर टर्न हो रही है। वो कुछ गिरा, तो वो तो परछाई है ना, उसमें कुछ कैसे गिर सकता है। मतलब वो परछाई नहीं है, वो एक मिरर इमेज है, वो एक रिफ्लेक्शन है। ओ यस, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन। रो मत, भाग जा। अरे बाप रे, क्या है ये, ज़ोंबी है क्या भाई। दिस इज इंटरेस्टिंग। अरे भाई साहब, गेट बंद है। अरे यार अब क्या होगा, थोड़ा और जोर से आवाज लगाओ। मैंने पहले ही कहा था इतने अंधेरे में, इतनी दूर, एकदम छुपे हुए ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए, बट अरे यार वो ज़ोंबी सी की तरफ आ रहा भाई, डर लग रहा मुझे। और वो लड़की ऐसे क्या करेगी वो लड़की, भाई वो तो पढ़ते ही चला आ रहा है, गजब ही कॉन्सेप्ट हो गया। चलो अच्छा, वो फाइनली वो छुप गई उधर जाकर, वो छुपी हुई है, बट कैसे बचेगी, क्या होने वाला भाई। ये थी यार कुछ सही चीज़ थी। भाई लड़की कांप रही है, फ़ोन निकाला उसने और वीडियो बना रही है, वो दिखा रही है कैमरे से, देख रही है कि भाई पीछे कोई है तो नहीं, कोई नहीं है। चलो कोई नहीं, चला गया भाई, वो चला गया, डरा रहा था बस लड़की को। वो कोई दुखी आत्मा होगा, मतलब उसकी पत्नी या उसकी गर्लफ्रेंड बहुत शॉपिंग करती होगी, ये जो भूत था ना, तो उसने क्या किया, मरने के बाद ना वो लड़कियों को शॉपिंग करते टाइम डराया करता होगा भाई, चेंजिंग रूम में जाके लड़कियों को डराता होगा, ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड और पतियों की जेब खाली ना कराएं। लड़की के साथ भी ऐसे ही हुआ। ओ ये क्या था, एकदम से हाथ आया था। अरे 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 अरे, गई। अब मालूम है क्या होगा, अब जब कोई और लड़की कपड़े चेंज करने आएगी तो फिर ये नीचे गिरेगी और फिर ये सामने वाले को हॉन्ट करेगी, आई थिंक। मतलब इसका आगे ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ये तो मेरी एक गैसिंग है कि आगे ऐसा होगा नेक्स्ट। बाकी शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो गई है। ये वाली शॉर्ट फिल्म भाई पिछली वाली से ज्यादा बेहतर थी। पिछली वाली में तो बहुत एंजाइटी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर, जो लीड बंदी जो गाड़ी चला रही थी, वो बेवकूफियां कर रही थी ना, ये बचने की कोशिश कर रही थी भाई, जेन्युइनली इसको डर लग रहा था, इसने कोई बेवकूफी नहीं की वैसे इसने ऐसे सड़ेले चेंजिंग रूम में जाने की और ऐसी सस्पिशियस जगह जाकर शॉपिंग, बट फिर भी ये ज्यादा बेटर थी। और अगली शॉर्ट फिल्म इससे भी ज्यादा 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 बेटर है। तुम्हारा खाना आधा हो गया होगा आई थिंक। तो चलो भाई, हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म का नाम है द वॉइस।
तो दो शॉर्ट फिल्म से लड़कियों ने अपने कमाल दिखाए, अपने जलवे दिखाए, तो मैंने सोचा कि तीसरी शॉर्ट फिल्म ऐसी लेंगे जिसमें सारे कैरेक्टर जो हैं वो मेल हो। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि लोगों को लगेगा कि शायद मैं लड़कियों पर उंगली उठा रहा हूँ, मैं लड़कियों को बेवकूफ साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। Women. सबको बेवकूफ बनने का बराबर हक है। तो हमारी अगली शॉर्ट फिल्म है द बॉयज, जहां पर द बॉयज भूतों का शिकार बनेंगे ऑब्वियसली। चलो भैया तो देखे द बॉयज में द बॉयज क्या करने वाले हैं। यहां पर ये एक घर है जो कि घर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एक मिनट जे, आई एम इन द रूम। बाप ने अपने बेटे को बुलाया और अंदर खींच लिया। भाई कुछ दिक्कत है क्या? डोंट गो देयर, लिसन टू मी। अच्छा वो बोल रहा है कि जो आवाज लगा रहा है वो तुम्हारे पापा नहीं है, मैं तुम्हारा पापा हूं। बच्चा बोल रहा है पापा मुझे डर लग रहा है। ऑब्वियसली लगे गई, तो मतलब कोई ऐसा क्रीचर इनके घर में घुसा है जो इसके पापा का रूप लेकर उस बच्चे का शिकार करना चाह रहा था, लेकिन पापा नंबर वन ने उसको बचा लिया मॉन्स्टर से। क्या बात है। मैं समझ रहा हूं वैसे होने क्या वाला है। ओह नो, ये थोड़ा सा डरावना था भाई। इसका मतलब वो जो पापा बन के नाटक कर रहा था वही मॉन्स्टर था, और जिसको मॉन्स्टर बताया जा रहा था वो एक्चुअली में पापा थे, क्योंकि असली पापा तो ये है। अब दरवाजा खटखटाने से क्या होगा? ठाकुर तुम्हारे बच्चे को तो मॉन्स्टर ने उल्लू बना दिया, गेट लॉक है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं दया को फोन करता हूँ। ये फोन नहीं है तो रिमोट है। भाई गेट नहीं खुल रहा यार तुमसे। एक खुल गया, अब इतने आराम से खुल गया, अपने आप खुला एक्चुअली में। और आप भी समझ गए हो कि क्या होने वाला है, मैं भी समझ गया कि क्या होने वाला है। एंड बच्चा अकेला खड़ा है, पापू जो है वो बाहर खड़े हैं। पापू सोच रहे हैं मेरा बेटा अकेला है, बट ही इज नॉट अलोन, ही इज विद द मॉन्स्टर। भाई गेट बंद हो गया है, अब कोई नहीं बचा सकता इस बाप को अपने बेटे से। खतरनाक भाई, ये लोग कितने खतरनाक चेहरे बता रहे हैं यार। हार्ट अटैक आ गया मुझको, अभी नहीं आया, मतलब हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आ गई। टू मच स्कैरी, बाप रे। तुम लोगों के चक्कर में रात रात को मुझे जागकर ऐसे डरावने और स्कैरी वीडियोस देखने पड़ते हैं, और तुम लोगों के वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो किसी के साथ, बस तुम लोग वो ट्रिगर्ड इंसान और मिथ पैट और पता नहीं बड़े बड़े क्रिएटर्स को आगे बढ़ाओ, है ना। हमारे वीडियोस देख के बस तुम देख के एंजॉय करके भाग जाते हो, गंदी बात है ये। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं द लास्ट वीडियो, द लास्ट शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है द लास्ट फोटो। क्या बात है। यहाँ पे एक लड़की बर्तन धो रही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे बेचारी महिला पर अत्याचार हो रहा है, उससे घर के काम करवाए जा रहे हैं, बट आई थिंक वो अपनी मर्जी से ही काम कर रही है एंड शी इज हैप्पी। चम्मच भी धो रही है। ये धुले धुलाए बर्तन को साफ करने की एक्टिंग क्यों करते हैं भाई? गंदे बर्तन रखा करो ना, थोड़ी सी रियलिस्टिक एक्टिंग लगेगी। चलिए बर्तन धुल गए, चार बर्तन धो लिए हैं और चम्मच अंदर चली गई सिंक के। ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू, नुकसान कर दिया ना तुमने बेब्स। अब चम्मच निकालने के लिए हाथ में डालना उसमें। नो प्लीज नो, इतना बड़ा छेद किसके सिंग में होता है बे? इतना बड़ा छेद किसके सिंग में होता है कि उसमें हाथ ही चला जाए? हमने तो कभी नहीं देखा है, तुमने देखा तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई। इतना भी नहीं होता कि दो उंगलियां चली जाए कुछ तो भी। कोई दरवाजे पर है भाई, कौन है? Hello?
शॉर्ट फिल्म अलग है भाई, लड़की की स्वेटर बहुत सही लग रही है मेरे को तो, मतलब मेरे लिए नहीं, एक जनरली बता रहा था मैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलो लड़की ने झांक कर देख लिया, कोई नहीं है, somebody got you, ओके, किसी ने उसका फोटो खींच के भेजा है और फोटो पे लिखा है got you। फोटो ये ना, ये वैसा वाले कैमरे से निकलता है जो इमीडिएटली, हाँ ये यहाँ बैठ के योगा कर रही होगी जब, तब किसी ने पीछे से उसका फोटो खींचा, अभी सोचेगी कि मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना मेरा फोटो किसने खींचा। उसने सोचा भी नहीं, बिना सोचे डस्टबिन में डाल दिया फोटो भाई, अरे डंप। हद धोती है भाई उल्लू बंदी की भी। अच्छा कोई उस पर चैटिंग कर रहा है, हे गर्ल हाउ आर यू, कम ऑन स्टॉप मैसिंग विथ मी, व्हाट आई नो दैट वाज यू। अच्छा ये सोच रही है कि मेरी सहेली ने मेरे पे प्रैंक किया, इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंस में थी। चलो फिर से डोर बैल बजी और ये एक्साइटेड होकर जाएंगी और फिर से गेट खोलेंगी कि ए मेरी सहेली ने फोटो भेजी है, जबकि वो कोई सहेली नहीं है, हाँ वो एक सहेला है। भाई अगर मुझे कोई ऐसे फोटो भेजने लगे ना, मैं अपने दोस्तों को सबको पहले फोन लगा के गाली सुनाऊंगा और उसके बाद दरवाजे को लॉक करूंगा और उसके बाद खुद पुलिस स्टेशन भाग जाऊंगा। बेड पे लेटे हुए किसी ने फोटो खींच ली तुम्हारी, और क्या चाहती हो। चलो वो लड़की थोड़ी सी समझदार तो थी भाई, कैंची निकाल ली और कोने में जाके बैठ गई। इससे बढ़िया सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई स्ट्रेंजर आपके फोटो खींच के आपको भेज रहा है आपके घर के, जैसे मान लो मैं इस रूम में शूटिंग कर रहा हूँ और मुझे कोई फोटो खींच के भेज दे कि भाई तो भाई फोटो खींच ली मैंने यहीं से, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैंची उठाऊंगा और कमरे में जाकर बैठ जाऊंगा ऐसे, है ना। वाह बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तभी तो ऐसी लड़कियां शिकार बनती हैं भाई, इनका शिकार करना कौन सी मुश्किल बात है। लो मर गई क्या, नहीं भाई मरी नहीं, जिंदा है, पुलिस आ गई। अच्छा रात हो गई है, ओके पुलिस नहीं आई है, कैंडल वैंडल जल, ओह माय गॉड। इस फिल्म ने तो झटका दे दिया भाई, इस फिल्म ने झटका दे दिया मुझको भाई, डर लग गया मुझे, कहीं कोई मेरे कमरे में तो ऐसा ना आ जाए भाई। इसलिए बोलता जब भी ऐसा कोई लफड़ा हो ना, घर से बाहर चले जाओ, पड़ोसियों के यहाँ चले जाओ, भले ही उनसे तुम्हारी ना बनती हो फिर भी चले जाओ, उनसे बोला भैया सॉरी जो भी कहा जो भी सुना, बट अभी मुझे अपने घर में आने दीजिए प्लीज। तो फाइनली ये था हमारा हॉरर शॉर्ट फिल्म रिएक्शन वाली सीरीज का पहला पार्ट। आपको कैसा लगा वीडियो, देखने में मजा आया, खाना तो खत्म हो ही गया होगा अगर खा रहे होगे इस वीडियो को देखते देखते, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। इसी सीरीज का अगर सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो भी कमेंट करना, मुझे मालूम है तुम क्या ही कमेंट करोगे भाई, भूत का वीडियो भी आएगा, रियल घोष्ट का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, बट कुछ और भी बनाते हैं ना भाई, तभी तो मजा आएगा। कमेंट करो क्या देखना चाहते हो, इस सीरीज का सेकंड पार्ट, रियल घोष का नेक्स्ट पार्ट, या फिर कुछ नया तड़कता भड़कता टॉपिक, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।